हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय SCM चिल्ड्रंस एकेडमी हल्द्वार। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टू लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट वाज न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वाज रेस्पिरेशन। एंड नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस absorbed or made in one part of the body of an organism is carried to other part of its body। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर रही है या फिर बना रही है खुद से बॉडी के अंदर, वो बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक कैसे पहुँचता है, ठीक है, किस तरीके से पहुंचता है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन क्या कहा जाता है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हम ह्यूमंस में कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। मैंने आपको जब हमने रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी, एंड आई हैव गिवन यू अ स्मॉल असाइनमेंट, ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि आपको जो है असाइनमेंट लिखना है एक, जिसमें आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो उसमें लास्ट पॉइंट क्या था कि ऑर्गेनिज्म शुड बी रिच इन द ऑर्गेनिज्म, देयर शुड बी रिच ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड की सप्लाई जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो भी सब्सटेंस हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो एक पार्ट से बॉडी के दूसरी पार्ट तक ईजिली पहुँच सके, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी में ब्लड कर रहा है, ठीक है, और प्लांट्स में तो ब्लड ही नहीं होता है, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, हियर वन प्लांट इज एक्स्ट्रा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट्स आर लेस रिएक्टिव, सो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद द मटीरियल सो क्विकली। सी, प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब उनको वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, उन्हें बहुत ज़्यादा मूवमेंट का वर्क नहीं करना होता है। ह्यूमन बीइंग या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें मूवमेंट भी होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, अच्छा ब्लड सप्लाई होना चाहिए, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑल्सो ड्यू टू द ब्रांचिंग शेप ऑफ अ प्लांट, ऑल द सेल्स ऑफ ए प्लांट कैन गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बाय डिफ्यूजन। मीन्स वॉट, के पेड़ की जो शेप होती है वो आपको पता है कि बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं पेड़ों में, ठीक है, तो यानी पेड़ का हर पार्ट जो है वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से प्लांट क्या करते हैं, इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लियर है। और कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का क्या प्रोसेस है कि अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूव होना, ठीक है, यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लांट, तो क्या होगा, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू वो कहाँ पहुँच जाएगी, प्लांट्स में पहुँच जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है प्लांट्स में, तो क्या होगा, डिफ्यूज़न और आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट है, वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से यानी पेड़ से प्लांट से वो कहाँ पहुँच जाएगी, आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट में, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट है वो क्या होगी, हायर होगी, आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट में लोअर होगी, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूव होना क्या प्रोसेस कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है, क्लियर है। तो ये हुआ आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में। अब आपने पढ़ा कि प्लांट्स में बहुत ज़्यादा मटेरियल को सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन और जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट जो है, मैंने आपको पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन के थ्रू वो किससे करते हैं, स्टोमेटा और लेंटिसल्स होते हैं हार्ड वुडी प्लांट्स में, ठीक है, स्टोमेटा और लेंटिसल्स होते हैं जिनके थ्रू रेस्पिरेशन के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्लियर है। तो लेकिन बाकी की चीज़ें जो प्लांट में फूड बन रहा है, ठीक है, वो कैसे, एक लीव में बनता है, आपको पता है कि लीव में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, लीव में फूड बनता है, ठीक है, वो फूड प्लांट के अदर पार्ट्स में कैसे पहुंचता है, ठीक है, इसी तरीके से और क्या ज़रूरी है प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो हमारा सिंपल रेस्पिरेशन के प्रोसेस, इजीली डिफ्यूज़न के, ठीक है।
बाकी की कौन सी चीज़ें बचें जिनका ट्रांसपोर्ट प्लांट में होना ज़रूरी है, क्लियर है? तो वो दो चीज़ें, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं प्लांट के लिए वो क्या क्या हैं? पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, ठीक है? वाटर का आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स इन द प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी जो फूड लीव्स में बन रहा है वो भी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी पहुंचना है, इसके अलावा और भी सब्सटेंसेस हैं जैसे हार्मोन्स हैं तो उनका भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक प्लांट में वो किस तरीके से पहुंचते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे, क्लियर है? द प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो प्लांट्स के दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन से हैं? आपने पढ़ा कि दो चीज़ें ही ज़रूरी हैं प्लांट में, एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, ठीक है? यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अगर देखा जाए तो, ठीक है? तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन से दो सिस्टम हैं? फर्स्ट इज जाइलम विच कंटेन्स वाटर एंड मिनरल विच कैरीज, सॉरी, यानी जाइलम। अब एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जाइलम जेड सॉरी एक्स फॉर जाइलम, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ हमें हिंदी में ज इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है? और अगर देखा जाए तो जल यानी वाटर जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? जल कहते हैं, यानी जाइलम फॉर जल, ठीक है? जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है? जल यानी वाटर, ठीक है? एंड सेकेंड इज फ्लोएम विच कैरीज द फूड। अब एफ फॉर फूड और एफ फॉर फ्लोएम, क्लियर है? मतलब वैसे हम डेफिनेशन जो स्पेलिंग लिखते हैं वो पीएच लिखते हैं, लेकिन अगर हिंदी में देखा जाए तो एफ फूड एफ और एफ फ्लोएम, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि एफ फॉर फ्लोएम और एफ है मतलब एफ फॉर फूड, ठीक है? और इस तरीके से जाइलम ज फॉर जाइलम और ज फॉर जल, ठीक है? तो फ्लोएम विच कैरीज द फूड एंड फूड मटीरियल विच प्लांट्स मेक, यानी प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, लीव में बनाते हैं, लीव से अदर पार्ट्स में कैसे पहुंचता है? वो पहुंचता है फ्लोएम के थ्रू, ठीक है? फ्लोएम आल्सो कैरीज द हार्मोन्स मेड बाय प्लांट्स इन देयर रूट्स एंड शूट टिप्स, यानी इसके अलावा फ्लोएम और किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है? जो प्लांट में हार्मोन्स बनते हैं उनकी रूट्स और शूट टिप्स में, ठीक है? तो उनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम, क्लियर है? नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल कैसे होता है। तो वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम लीव एंड फ्लावर्स, ठीक है? यानी वाटर कहाँ से मिलता है? रूट्स से मिलता है, ठीक है? ठीक है, रूट अंडर वाटर होती हैं, अंडर वाटर पानी होता है, ठीक है? सॉरी अंडरग्राउंड, सॉरी, है ना, अंडरग्राउंड में क्या होता है? वाटर होता है, तो जो अंडरग्राउंड में वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स, ठीक है? और एब्जॉर्ब करने के बाद वही रूट्स से ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है? अदर पार्ट्स कौन से हैं? जैसे स्टेम्स में, लीव में, फ्लावर्स में, ठीक है? ये जो वाटर सॉइल से इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, सॉइल से वाटर और मिनरल दोनों ही चीज़ें एब्जॉर्ब करती है रूट, ठीक है? और रूट एब्जॉर्ब करने के बाद वो अदर पार्ट में यानी स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है? सेकेंड इज इन द लीव्स वाटर इज यूज्ड इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है? लीव्स में वाटर का क्या यूज़ है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको पता है फूड बनने के टाइम पे वाटर का यूज़ होता है, ठीक है? द वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव थ्रू टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू कॉल्ड जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीज, यानी जाइलम के भी दो एलिमेंट्स हैं, जाइलम टिश्यू के भी दो एलिमेंट हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रैकीज, ठीक है? जिनकी हेल्प से ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल करता है, किस में? लीव्स में, क्लियर है? नाउ वॉट आर जाइलम वेसल्स, ठीक? तो दीज आर नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट, यानी जाइलम वेसल्स क्या होते हैं? ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है? सेकेंड है लॉन्ग ट्यूब टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जो पूरे प्लांट में, आपने देखा होगा ना, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं पूरे प्लांट में, लीव्स में, सब जगह इस टाइप की, लीव्स में स्पेशली आपने देखा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, किसी लीव में इस टाइप का होता है, तो ये एक ड्रेन पाइप की तरह पूरे प्लांट में क्या होता है?
जाल की तरह बिछा होता है, ठीक है। जाइलम वेसल इज मेड ऑफ मैनी होलो डेड सेल्स ज्वाइंट एंड टू एंड। जाइलम वेसल किस चीज़ का बना होता है? जब नॉन लिविंग है तो ऑब्वियसली ये किस चीज़ का बना होगा? डेड सेल्स का बना होगा, ठीक है, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी रहती हैं। द जाइलम वेसल्स ब्रांच इंटू एवरी लीफ ऑफ द प्लांट। यानी जाइलम वेसल जो है, मैंने क्या बताया कि ये एक जाल की तरह बन जाती हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा किसी लीव में, ये जाल की तरह सभी लीव्स में प्लांट की ब्रांच हो जाती है इनकी, ठीक है। जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई। क्लियर है, जब नॉन लिविंग थिंग है तो इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई नहीं होता, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिविंग थिंग है, क्लियर। जाइलम वेसल्स वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज एंड लिग्निन की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। लिग्निन क्या है? वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिग्निन, ठीक है। तो लिग्निन, या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लिग्निन, तो लिग्निन क्या है कि लिग्निन इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, ठीक है। सो जाइलम वेसल्स ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्टेम्स एंड हेल्प टू कीप द प्लांट अपराइट। यानी लिग्निन क्या है? बहुत हार्ड सब्सटेंस है जो प्लांट को क्या करता है? एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम को, प्लांट के स्टेम को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, और साथ में प्लांट को सीधा खड़ा करने में भी हेल्प करता है, अपराइट ऊपर की तरफ बढ़ने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। कौन करता है ये काम? लिग्निन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप दैट अप टू दिस पॉइंट यू आर क्लियर, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कम स्कूल एंड आस्क अस, क्लियर। सो नाउ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू, दैट इज ट्रैकेट्स। वी विल स्टडी दिस एलिमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टू देन रिवाइज दिस टॉपिक, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, प्रिफर योर बुक फर्स्ट, राइट डाउन योर नोट्स बाय ओन, क्लियर। अप टू देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।